हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार का स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन अब बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया दोस्तों, नोट इंटरनेट पर जारी किया गया मॉडल सेट है। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। इस वीडियो से आप लोग को काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा दोस्तों बोर्ड परीक्षाओं में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा ना इस वीडियो को तो जरूर देख लीजिए लास्ट तक, ठीक है। और इसके बाद हम लोग एक और वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहेगा। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आंसर की मैं आप लोगों को दे सकूँ इस चैनल के मदद से, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। और कैसा लगा वीडियो और क्या चीज़ का वीडियो चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा फटाफट, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। हम लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है कि आनुवांशिक कूट में कूटों की संख्या कितनी होती है। तो आनुवांशिक कूट में जो कूटों की संख्या होती है ना, ये होता है 264। बहुत बार ये क्वेश्चन किए हुए हैं, तो एक का डी। दो नंबर है कि मानव मादा में अंड उत्सर्ग को प्रेरित करने वाला जो हार्मोन है ना वो कौन है दोस्तों, तो वो LH हार्मोन है। तो दो का सी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए तीन नंबर देखते हैं, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। यहाँ पे तीन नंबर है कि दोस्तों कि भ्रूणकोष की उत्पत्ति निम्नांकित में से किस में से होती है। तो भ्रूणकोष की जो उत्पत्ति निम्नांकित में से जो होती है ना, ये होता है दोस्तों आपका गुरु बीजाणु से। तो सही उत्तर यहाँ पे तीन का सी हो जाएगा, गुरु बीजाणु से। चार नंबर है कि एड्स के लिए इनमें से कौन जांच उपयुक्त है। तो जानते होंगे दोस्तों एड्स के लिए जो जांच उपयुक्त है वो एलिसा है। तो सही उत्तर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे, चार का सी। पाँच नंबर है दोस्तों, अगर और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, जल्द ही मैं इसके बाद जो एक और वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों। सब्जेक्टिव भी तैयारी कीजिए, जितना आपको ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है उतना ही सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, सब्जेक्टिव भी तैयारी कीजिए। पाँच नंबर है कि निम्नांकित जो है कौन एंजाइम PCR तकनीक में इस्तेमाल होता है। तो ये जो होता है दोस्तों ये आपका यहाँ पे पॉलीमरेज, ठीक है, पॉलीमरेज यहाँ पे से उत्तर हो जाएगा पाँच का ए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे छः नंबर है, यहाँ पे दोस्तों बोला जा रहा है कि DNA अंगुल छापी का आधार क्या है। तो DNA अंगुल छापी का जो आधार है दोस्तों ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका अनुक्रम में बहुरूपता। तो सही उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा, छः का बी। चलिए सात नंबर देखते हैं कि ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितना प्रतिशत होता है। तो ये होता है दोस्तों 10%। तो यहाँ पे सात का भी बी आपका सो हो जाएगा। आठ नंबर है कि जीवाणु में जो कवक क्या होते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, अपघटक, इनमें से सभी हो जाएगा। तो आठ का से उत्तर आपका डी हो जाएगा यहाँ पर। नौ नंबर है कि मिथिनोजेंस इनमें से क्या उत्पादित नहीं करता है। तो मिथिनोजेंस जो है ना इनमें से जो उत्पादित नहीं करता है वो होता है तो ऑक्सीजन। तो सही उत्तर यहाँ पे न का बी हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन। फिर आता है दस नंबर की निम्नांकित में नाइट्रोजन फिक्सर कौन है। तो नाइट्रोजन फिक्सर की अगर बात करें दोस्तों तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा एनाबेना तथा नॉन स्टॉक। तो सही उत्तर यहाँ पर दस का बी हो जाएगा। ग्यारह देखते हैं कि 2N+-1 तथा 2N+-2 की स्थिति जो है क्या कहलाती है। ये जो कहलाती है ना पर बहु गुणिता। तो सही उत्तर यहाँ पे 11 का बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों आप लोगों को ये बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया है, तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड परीक्षाओं में, ठीक है। फिर आता है 12 नंबर की DNA पर पराबैंगनी किरणों के असर से क्या प्रभाव पड़ता है। तो DNA पर जो पराबैंगनी किरणों के असर जो पड़ता है दोस्तों ये पड़ता है आपका यहाँ पर सभी नाइट्रोजनी क्षार जोड़ी का विलोपन होता है, नाइट्रोजनी क्षार जोड़ी जुड़ता है, थायमिन डाइमर बनता है, इनमें से सभी। तो से उत्तर यहाँ पे 12 का डी हो जाएगा। 13 नंबर है कि मनुष्य के लिंग निर्धारण का जो कारक कौन है दोस्तों, वो तो वाई गुणसूत्र हो जाएगा। तो 13 का सही उत्तर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। फिर आता है दोस्तों कि यहाँ पे 14 नंबर की आर्कियोपट्रिक्स जो है यहाँ पे किस काल में पाया जाने वाला जीवाश्म पक्षी था। आर्कियोपट्रिक्स ये जो था दोस्तों आपका, ये आपका जुरासिक काल का था, ठीक है। तो सही उत्तर 14 का ए हो जाएगा। जैसे डायनासोर जो है ना, डायनासोर का भी पूछा जाता है। फिर 15 है कि जंतुओं तथा पौधों के बीच संयोजी कड़ी कौन है। तो जंतुओं तथा पौधों के बीच जो है संयोजी कड़ी, तो ये होता है दोस्तों आपका युगलीना। तो सही उत्तर यहाँ पर 15 का सी हो जाएगा। 16 है कि जेम्यूल्स जो है किसकी विशेषता है। तो जेम्यूल्स जो विशेषता है ना, तो ये आपका हो जाएगा स्पंज। तो 16 का आपका ए। 17 देख रहते हैं कि किन पौधे में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है। तो उस पौधा का नाम है दोस्तों यहाँ पे क्या चीज़, तो शैवाल, ब्रायोफाइट, स्ट्रेटोफाइट, ये सभी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा 17 का डी। 18 है दोस्तों कि किस मादा जंतु में मध्य चक्र नहीं होता है।
तो उस मादा जंतु का नाम है यहाँ पे दोस्तों क्या, तो मनुष्य। तो सही उत्तर यहाँ पे 1880 हो जाएगा। चलिए 19 देखते हैं हम लोग कि अंडाणु के क्या है दोस्तों यहाँ पे, कि अंडाणु के कोशिका द्रव्य में कौन सी संरचना नहीं होती है। तो अंडाणु के कोशिका द्रव्य में जो संरचना नहीं होती ना, उसका नाम है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। तो सही उत्तर 19 का डी हो जाएगा आपका। चलिए 20 नंबर देखते हैं कि ट्रेपोनेमा पैलिडम किस बीमारी का रोग जनक है दोस्तों। तो ट्रेपोनेमा पैलिडम जो बीमारी का जनक है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा क्षय रोग। तो 20 का डी आपका सही हो जाएगा। 21 है आपका यहाँ पे दोस्तों कि ये जो दिया गया है ना कि किस आरएनए में पाया जाता है, तो ये जो पाया जाता है दोस्तों लूप, तो ये पाया जाता है आपका रेबोजोमल आरएनए में। तो सही उत्तर यहाँ पे आरआरएनए हो जाएगा। 21 का ए हो जाएगा आपका। 22 है कि प्रतिलेखन की क्रिया में किस एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो प्रतिलेखन की जो होता है ना क्रिया में, ट्रांसक्रिप्शन की जो यहाँ पे क्रिया में किस एंजाइम की आवश्यकता होती है दोस्तों, तो उस एंजाइम का नाम है आपका आरएनए पॉलीमरेज। तो सही उत्तर यहाँ पे 22 का डी। चलिए 23 देख लेते हैं कि कीटों तथा पक्षियों के पंख जो है ना किस तरह के अंग कहलाते हैं। तो कीटों तथा पक्षियों के अंग पंख जो है ना ये कहलाते हैं दोस्तों आपका क्या, तो ये कहलाता है आपका असंजात अंग। तो सही उत्तर यहाँ पे 23 का बी हो जाएगा, कीटों तथा पक्षियों के पंख, इसमें तो बहुत अंतर है, तो असंजात अंग। फिर आता है कि मरुस्थलीय अनुकूलन का जो उदाहरण है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन है। तो मरुस्थलीय अनुकूलन का जो उदाहरण है ना, ये आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऊँट और नागफन, ये दोनों हो जाएगा। तो 24 का सी। 25 देख लेते हैं कि बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है। तो बीसीजी वैक्सीन जो है दोस्तों वो बीमारी का नाम है आपका क्या, तो ये 6 बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस। तो सही उत्तर यहाँ पर 25 का बी। चलिए 26 देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से रेबीज बीमारी का रोग जनक कौन है। तो रेबीज बीमारी जानते होंगे दोस्तों, वो वायरस से फैलता है ना, तो सही उत्तर यहाँ पे 26 का बी हो जाएगा, विषाणु। 27 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सो असंक्राम्य बीमारी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर, ये हो जाएगा मियास्थेनिया ग्राफिस, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, कौन सो असंक्राम्य बीमारी है, ठीक है। तो 27 का आपका सी हो जाएगा। 28 देखते हैं कि सुनहरे धान में कौन सा ट्रांस जीन है। तो सुनहरे धान में जो है दोस्तों ये आपका यहाँ पे कौन सा है, तो फाइटोइन सिंथेटेज, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे 28 का बी हो जाएगा। 29 देखते हैं कि बीटी टॉक्सिन जो है क्या होता है। तो बीटी टॉक्सिन जो होता है ना, ये आपका होता है यहाँ पर क्या चीज़, तो बाह्य कोशिकीय लिपिड होता है। तो सही उत्तर यहाँ पर 29 का बी हो जाएगा। 30 नंबर देखते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन मछली की विदेशी प्रजाति है, ठीक है। तो विदेशी जो प्रजाति की अगर बात करें तो यहाँ पे कतला, रोहू, मांगुर, ये सभी देसी प्रजाति है, विदेशी प्रजाति इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। तो सही उत्तर यहाँ पे 30 का डी हो जाएगा आपका। फिर आता है यहाँ पर 31 नंबर की बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है दोस्तों ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये जो है ना वनस्पति उद्यान और प्राणी उद्यान दोनों हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 31 का सी हो जाएगा, दोनों ए तथा बी। फिर 32 है कि प्रकृति में सबसे अधिक जो है संख्या निम्नांकित किस स्पीसीज का है। तो प्रकृति में जो सबसे अधिक संख्या निम्नांकित जो किस स्पीसीज का है दोस्तों, तो उसका नाम है आपका यहाँ पे कौन सा, कीटों का। तो सही उत्तर यहाँ पे 32 का बी हो जाएगा। 33 देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि संकटग्रस्त स्पीसीज के लिए बाह्य स्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण कौन है। तो संकटग्रस्त स्पीसीज के लिए जो बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है दोस्तों, वो आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो वो हिमकारी परिरक्षण। तो सही उत्तर यहाँ पे 33 का बी हो जाएगा। 34 है कि निम्नांकित में प्रौद्योगिकी उत्पाद है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है दोस्तों यहाँ पे कौन सा ये प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे 34 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ह्यूमेलिन, फ्लेवर सेवर, जीएम फसल, ये तीनों हो जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा यहाँ पे। तो सही उत्तर 34 का डी। 35 देखते हैं कि प्राकृतिक अनुवांशिक अभियंता निम्नांकित में कौन है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्राकृतिक अनुवांशिक अभियंता, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, 35 का बी हो जाएगा, प्राकृतिक अनुवांशिक अभियंता, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर किसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर सही उत्तर आपका 35 का बी हो जाएगा। चलिए 36 देखते हैं हम लोग कि हाथी के लिए संरक्षित क्षेत्र निम्नांकित में कहाँ है। तो हाथी के लिए जो संरक्षित क्षेत्र है दोस्तों, ये आपका यहाँ पे कहाँ है,
तो ये पेरियार पशु विहार में है, तो सही उत्तर यहाँ पे 36 का भी बी हो जाएगा। चलिए 37 देखते हैं कि अम्लीय वर्षा कराने वाले प्रदूषक का यहाँ पे बताइए नाम, तो ये सभी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से सभी हो जाएगा, तो यहाँ पे 37 का डी। 38 है दोस्तों कि ग्रीन हाउस गैस जो है ना क्या सोखती है, तो ग्रीन हाउस हरित घर जो है ना ये क्या, कौन सा यहाँ पे बोला ना सोखती है दोस्तों, अपने आप को ऑब्जर्व करती है, तो ये होता है दोस्तों परावैगनी विकिरण, तो सही उत्तर यहाँ पे 38 का बी हो जाएगा। 39 है यहाँ पे कि जल में भारी धातु प्रदूषक निम्नांकित में कौन है, तो जल में भारी धातु जो प्रदूषक निम्नांकित में है दोस्तों ये आपका सही उत्तर यहाँ पे निकेल और आर्सेनिक दोनों हो जाएगा, तो सही उत्तर यहाँ पे 39 का सी। 40 देख लेते हैं कि सब्जियों को निम्नांकित में कौन नुकसान पहुँचाता है, तो सब्जियों को जो है ना निम्नांकित में नुकसान जो पहुँचाता है दोस्तों ये पहुँचाता है आपका PAN और फ्लोराइड, दोनों ये होता है, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा, तो सही उत्तर यहाँ पे 40 का सी। दो क्वेश्चन बताते हैं 41 नंबर की, रिलैक्सिन का स्राव कहाँ से होता है, रिलैक्सिन का जो स्राव होता है ना ये होता है अपरा, तो सही उत्तर यहाँ पे 41 का ये। 42 है कि अंड उत्सर्ग किस में कार्यान्वित होता है, तो अंड उत्सर्ग जो होता है ना ये होता है आपका दोस्तों 14वें दिन और यहाँ पे अंडाशय, ये दोनों हो जाएगा, तो दोनों बी एंड सी, ठीक है, 14वें दिन अंडाशय में होता है अंड उत्सर्ग कार्यान्वित। तो देखिए दोस्तों हम लोग 42 ऑब्जेक्टिव तो कर लिए हैं, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लेते हैं यहाँ पे, देखते हैं आप लोग। 18 लघु उत्तर पूछे जाएंगे आप लोगों को, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 10 का जवाब देना है दोस्तों, जो आपको इजी लगे वही आपको जवाब देना है, तो देख लीजिए दोस्तों, इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे इस 18 क्वेश्चन में, तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, अगर आपको जो आता है तो अच्छी बात है। देखिए DNA अंगुली छाप यहाँ भी पूछा गया है दोस्तों आप लोगों को, ठीक है, और आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव में भी था, तो जो ऑब्जेक्टिव आपको याद है ना वही यहाँ पे 2 नंबर में है, तो 1 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, ठीक है, उसी में थोड़ा बढ़ा के लिख देना बस, वही है, ठीक है, थोड़ा बहुत 2 से 4 लाइन, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इस तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है यहाँ पे, और देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे 18 को ऑब्जेक्टिव, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय में आपको भी 8 को रहेगा, जिसमें से आपको सिर्फ 3 का जवाब देना है दोस्तों, सॉरी 6 को रहेगा, ठीक है, 6 को रहेगा दोस्तों आपको दीर्घ उत्तरीय, जिसमें से आपको सिर्फ 3 का जवाब देना रहता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, नेक्स्ट वीडियो अगर चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, जल्द से जल्द हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए।